मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भाजपा नेता और पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तालवाला की मुश्किलें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि 4 महीने पहले आरटीआई एक्टिविस्ट हेमराज रघुवंश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और मनोज तालवाला पे नलकूप खनन में, ट्यूबवेल खनन में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय अफसरों के साथ थी भोपाल में की थी, भोपाल नगरी प्रशासन से की थी। अब 4 महीने बाद इसमें जांच समिति गठित की गई है, इसमें इंदौर उज्जैन के अधिकारी हैं, जिसमें अधीक्षण यंत्री उज्जैन संभाग के हैं, 3 सदस्य समिति है, इनको पिछले 15 दिन में अगले 15 दिन में जांच रिपोर्ट तैयार करके सौंपना है। इसमें जो मुख्य बिंदु है वो करीब 9 से 10 जगह है जहां पे ट्यूबवेल खनन में घोटाला गड़बड़ हुई है। इसमें लंबाई ऊंचाई मोटाई से लेके 8 इंच का ट्यूबवेल खनन कर रहा है, जिसमें 6 इंच का किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी नहीं लगा है। ऐसे मामलों की जांच की जाएगी, बारीकी से की जाएगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब भाजपा नेता की मुसीबतें बढ़ते जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेके क्या कहा था हेमराज रघुवंशी ने, वो भी सुनिए आप। इस पूरे मामले को लेके निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। इसी के साथ जो जांच समिति है वो भोपाल से तय की गई है, जिसके बाद इसमें अब पारदर्शिता के साथ जांच होगी और कहीं ना कहीं भाजपा नेता की मुसीबतें बढ़ सकती है। बहरहाल ये चुनावी शिकायत थी और चुनाव में भाजपा नेता मनोज तारवाला ने निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान के साथ काम किया था, बगावत की थी, हो सकता है उसको देखते हुए भी ये शिकायत की गई थी, जिसकी जांच अब होगी, अब इसमें कार्रवाई भी हो सकती है। बहरहाल हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें तो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। ट्यूबवेल खनन को लेकर एक शिकायत थी शासन को, तो शासन द्वारा उसमें अधीक्षण यंत्री उज्जैन संभाग की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है और जिन ट्यूबवेल्स के खनन के संबंध में शिकायत थी, ये समिति उनकी जांच करके अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपे। सूचना के अधिकार के अंदर जानकारी निकाली निगम के पूर्व अध्यक्ष मनोज ठेकेदार के द्वारा, मनोज तारवाला के द्वारा करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। जो इनके बोरवेल एजेंसी चलती है अपने नगर निगम के अंदर, जो ट्यूबवेल खनन वगैरह का जो कारोबार होता है, इस कारोबार के अंदर इन्होंने जितने भी इनके कार्यकाल में ठेके लिए वो इनके रिश्तेदार या इनके ठेके अपने ठेके से संबंधित एजेंसियों को दिए गए। 80% से 90% ठेकेदार इनके रिश्तेदारों के ऊपर ही दिए गए। नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया किस आधार पर रही, जितने भी मतलब ठेके दे गए 80% उनके रिश्तेदारों को या उनको दिए गए। उसमें तारवाला बोरवेल और तारवाला ट्रेडिंग कंपनी, ये 2 कंपनियां ऐसी है और इनके एक पार्टनर है करीबी सागर पटेल, सागर प्राणलाल पटेल के नाम से दिए गए। और सबसे बड़ी बात कि सारे नियमों को ताक पे रखते हुए इनकी बोरिंग एजेंसी को ठेका देने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों ने इनसे साठगांठ करके उनके लिए नियम बदला और ऐसे नियम बनाए गए कि वो बोरिंग मशीन के अलावा कोई दूसरे बोरिंग मशीन के ठेके नहीं ले सकती। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी से लेके अभी तक 2015 तक नगर निगम के 48 वार्डों के अंदर केवल 150 नलकूप खनन किए गए और 2015 से लेकर 20 तक इनके अध्यक्षीय कार्यकाल के अंदर 200 बोरिंग किए गए। इसमें 2017 के अंदर जो जल आवर्धन योजना शुरू हुई उसके बाद भी लगातार बोरिंग शहर के अंदर होती रही। तो कारण यह है कि जब 2017 के अंदर जल आवर्धन योजना शुरू हो गई तो फिर नलकूप खनन की जरूरत क्या पड़ी। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम के कर्मचारियों ने और उन्होंने मिलकर शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया और फायदा पहुंचाया। इसमें भ्रष्ट अधिकारी और नगर निगम के ठेकेदार मनोज तारवाला की मिली भगत है। निगम के अंदर 1,80,000 रुपए का एक नलकूप खनन होता है, इसके अनुसार 200 नलकूप खनन हुए, 200 नलकूप खनन में 1 करोड़ों का लफड़ा है। यहां तक अनियमितताएं पाई गई कि किसी टिका टेंडर अगर 35 लाख का है या 35,000 का है तो उसके बाद में वो टेंडर 40,000 वाले को कैसे दिया जा सकता। नगर निगम में निगम अध्यक्ष रहते हुए मनोज तारवाला के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया है। इनकी खुद की नलकूप खनन कंपनियों और इनसे इनके रिश्तेदारों से संबंधित व्यक्तियों को ही यहाँ के ठेके पूरी तरह से दिए गए। 80 से 90% इनके रिश्तेदारों को ठेके दिए गए और इसके लिए नगर निगम अधिकारियों ने मिलीभगत करके उसके लिए नियमावली बदली। लगभग ये
35 से 40 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। ये हमने नगरीय प्रशासन विभाग को की है जांच, चाहते हैं इस मामले में पूरी जांच होना चाहिए। पहली बात तो जिस भी आरटीआई कार्यकर्ता ने ये लगाया आरोप मेरे ऊपर, मुझे लगता है ये मेरे ऊपर आरोप नहीं है। यदि 200 ट्यूबवेल मेरे कार्यकाल में हुए तो मैंने किए क्या, या मेरे घर हुआ क्या, ये आरोप होता। यदि मेरे कार्यकाल में 200 ट्यूबवेल हुए तो मैंने बुरहानपुर की जनता का सहयोग और विकास कार्य के अंदर किए गए कार्यों में मैंने अपना सहभागिता निभाई है, जिसका न तो ट्यूबवेल की एजेंसी से मेरा लेना देना है। धन्यवाद देना चाहता हूँ उस समय के मेरे साथ के सहयोगी महापौर अनिल भोसले जी को, कि जहाँ जहाँ भी समस्या आई और जहाँ जहाँ भी उनके पास डायरेक्ट आई या मेरे पास आई, हम दोनों ने मिलजुल कर इस शहर की प्यास बुझाई। और खुशी की बात है कि एक भी मेरे कार्यकाल में या मेरे महापौर के कार्यकाल में कोई मटका फोड़ने नहीं आया, कोई पानी को लेकर आंदोलन करने नहीं आया। जनता की सेवा करना यदि गुनाह है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि वो गुनाह जनता की सेवा करना है, यदि लोगों की प्यास बुझाने का, वो गुनाह मैंने और मेरे महापौर अनिल भोसले जी ने साथ में किया। घपला है तो वो संबंधित अधिकारियों के माध्यम से जांच करवा ले। मुझे ये कल्पना पहले आ गई थी और स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि मुझे कुछ नेताओं के द्वारा आज से 10 दिन पूर्व बता दिया गया था कि यदि आप भागीदारी चुनाव की उम्मीदवारी में इसी तरह लगे रहोगे तो आपके कार्य की जांच की जाएगी। मैं स्पष्ट तौर पर चैलेंज करता हूँ मेरे दोस्तों से लेके मेरे राजनीतिक विरोधियों से लेकर बुरहानपुर का हर नागरिक, मेरे 35 साल की राजनीति में कोई मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप या गबन का आरोप लगा देगा जिस दिन और साबित कर देना उस दिन, जनता की सेवा भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में करता हूँ, मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा छोड़ दूंगा और केवल निरंतर सेवा करते रहूंगा, किसी पद की लालसा नहीं करूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। और समय आने के ऊपर सारी बातें, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, सत्य को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए सब आपके सामने आएगा। और मेरे भाई आपने जो बताया कि रघुवंशी जी ने आरोप लगाया तो उनको जाके पूछना था ना कि 2015 से 2020 और आज हम बात कर रहे हैं 2023 में, ये अभी ही क्यों याद आया, अभी ही क्यों ये विषय निकला? क्या जनता की सेवा के लिए आगे आना या पार्टी में टिकट मांगना गुनाह है? निश्चित तौर पर कोर्ट में भी जाऊंगा और उससे मांगूंगा कि वो प्रमाण दे कि मैंने कहां भ्रष्टाचार और कैसा भ्रष्टाचार किया। अंतिम सवाल, उन्होंने माता सेवा अस्पताल की दुकानों को लेकर अनुमति नहीं है उसको लेकर भी आरोप लगाया है। मातृ सेवा सदन की दुकानों का मामला ये काफी पुरानी, मेरे पास ये संस्था से ली हुई दुकान है और ये संस्था का एक नियम है कि जो दुकान लेता है वो मेंबर हो जाता है उसका, जिस कारण मैं मेंबर बना हूँ। मैं दुकान लेने के बाद मेंबर बना, न कि मेंबर होते हुए मैंने कोई दुकान या कोई जगह खरीदी इसकी। और ये यदि उसकी इजाज़त है या नहीं है, अनुमति है नहीं है, तो संस्था का लुकआउट है, मेरा व्यक्तिगत लुकआउट नहीं है। और मेरे द्वारा न तो किसी को दुकान दिलाई गई न मेरे द्वारा ली गई, और यदि किसी को लेना है तो आज भी संस्था के अध्यक्ष को आवेदन दे, अपन जहाँ बैठे हैं और जहाँ बात कर रहे हैं इसके ऊपर लगभग 10 दुकानें आज की तारीख में भी संस्था के द्वारा देने को निकाली गई है, जिसको आवश्यकता होगी और संस्था की शर्तों का पालन करेगा उसको दुकान मिल जाएगी। ऐसा कोई मामला ही नहीं है कि ये मेरे को ले ली है या मैंने कोई ऐसा वो कर लिया है।